बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो देखिए यहाँ से मैं इस अंगूर की बेल को, ये अंगूर बड़ा है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो ये मैंने सीड्स उगाए थे और ये करीब डेढ़ साल की, डेढ़ दो साल की बेल हो चुकी है और देख सकते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाता है। ये देखिए ये जो इनमें जंजीर सी निकली आई हैं, एक साल से तो जंजीर सी निकल रही है इसमें, दो पौने दो साल के करीब हो गया है पेड़ ये। तो इसे मैं यहाँ से मिक्स वीडियो ये चैनल लेके आता है आप सभी के लिए और आपको मिले सबसे पहले। तो गाइस वीडियो देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, तो उसके नीचे सब्सक्राइब लिख रहा है ना लाल, वे बिल्कुल फ्री है, इसे आप जल्दी से ब्लैक करें और बेल आइकन की घंटी प्रेस करें ऊपर आल वाली, साथ ही साथ कमेंट शेयर तो जरूर करें, इसमें कोई भी आपका नेट नहीं जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे हैं तो गाइस जल्दी से कर ले वहाँ भी फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे ये होगा कि इसे मैं अलग यहाँ से हटा सकती हूँ, अगर जो हमारा नीचे से ये पेड़ सारा नहीं हम हटा पाए यहाँ से, तो यहाँ से हटा के मैं लगा सकती हूँ। तो देखिए ये है हमारी डाली, इस डाली पे हम यहाँ बांधने वाले हैं और ये रही हमारी पिन्नी। ये हमने एक छोटी कोई भी आपको इस तरह की जो बांध दे टाइट करके, तो ऐसी रस्सी ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दो तीन मिलांद की रस्सी ले ली है और ये कैंची ले ली है मैंने पिन्नी कट करने के लिए। तो मेरे पास ये बड़ी पन्नी है तो मैं इसे थोड़ी छोटी सी कट कर लूँगी इसमें से, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी पन्नी काट ली है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी मिट्टी लेंगे हम, थोड़ी सी मिट्टी लेंगे हम, देखिए गिल्ली मिट्टी लेनी है एकदम हमें, ना ज़्यादा पानी हो और ना ज़्यादा सूखी हो, मिट्टी गिल्ली होनी चाहिए, थोड़ी लेंगे क्योंकि ये टहनी हमारी पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। इस पर हम बांधेंगे इसे, इन्हें मत तोड़ ले, भूरे 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 ले ले, भूरे ले, फूल मत तोड़ा, फूल मत तोड़ा, फूल ना तोड़ा, फूल ले, भूरे ले, ले भूरे भूरे उश भूरे उश जल्दी उश फड़ा से फड़ा जल्दी फड़ा जल्दी फड़ा से उश उश जल्दी खड़े जल्दी से बगाचा देखिए देखिए तोड़ दी किसने देखिए तू तोड़े तू तोड़े ये की तोड़े है ये की तोड़े ऐसा मार के दबा ये की तोड़े डंडे में मार दूं कोबरा में छोड़ दूं ले अब तो तोड़ मत ले देखिए सारे फूल तोड़ दिए देखिए 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 ये तोड़ दिए मगा इसे बंद रही आपको तो यहाँ पे ये मैंने मिट्टी ले ली है और यहाँ पे बंदरिया आ गई थी और फूल लेगी थी तोड़ के, मतलब फ्लावर्स लेगी, उसे मैं थोड़ा डांट रही थी। तो यहाँ से बांधेंगे हम इसे ऐसे करके, ऐसे बांधेंगे देखिए, इस तरह से बांधेंगे हम इसे अब। तो यहाँ हमने देखिए इस तरह से ये बांध दिया है, ऐसे बांध दिया हमने, खींच के बांधेंगे इसे यहाँ से, ऐसे खींच दिया हमने पिन्नी को इसे। और आपको पिन्नी बड़ी लेनी है थोड़ी, यहाँ पर छोटी मिट्टी लगाई है मैंने बिल्कुल छोटी सी और छोटी पिन्नी ली है मैंने बिल्कुल छोटी सी, और यहाँ पर मैंने छोटी सी कलम है ना ये, तो इसकी वजह से छोटी सी कलम की वजह से मैंने ये छोटी पन्नी ली थी, आपको बड़ी पन्नी लेनी है। तनु गेट बंद कर ले, हाँ तो वो जो मैं बंदरिया बताती हूँ आपको दर्शकों, वो बंदरिया ने हमला कर दिया है एक बच्चे पे, 10 साल की बच्ची है वो, पड़ोस में बराबर में है, उस पर हमला कर दिया बेचारी पे और वो
बहुत ज़्यादा बच्ची डरी हुई है। मैं उसे भगाने गई थी, कभी मेरी बच्ची पे भी ना हमला कर दे अभी। तो इसे अच्छे से हम बांध लेंगे पहले। पिन्नी इस तरह की मुलायम होनी चाहिए, ऐसे बांधेंगे, इस तरह से कस के बांधना है। ये देखिए मैंने इस तरह से बांध लिया है, जैसे आप बांधना चाहें वैसे बांध सकते हैं इस पौधे को। दूसरा बनाने के लिए, यानी नेक्स्ट बनाने के लिए, और आपको कस के बांधना होगा। थोड़ा ये ध्यान रखना है, मिट्टी को कस के रखना है, बाहर की हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, अंदर की हवा बाहर नहीं जानी चाहिए, इतना ध्यान रखना है बस आपको। इसमें यहाँ पे मैं लगा देती हूँ गांठ, चमक नहीं रहा होगा। देखिए ये इस तरह से बांध देनी है जैसे मैं बांध रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे अब बांध देती हूँ ताकि ये नीचे को भी ना झुके, ये टहनी जो है इस तरह से बांधूंगी मैं इसे। और ये अब आपका नेक्स्ट पौधा अंगूर का, यानी बेल बनके तैयार है। आप इसे 20 दिन के बाद, 20 या फिर 25 दिन के बाद इसे आप हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। 100% इसमें रूट्स निकल जाएंगे। ये देखिए ये यहाँ से तोड़ के गई है बंदरिया। अभी यहाँ पे जब डोगी जो भागे इसके पीछे, तो एकदम छलांग लगाई है बंदरिया ने। बहुत अच्छी टहनी थी ये, और ये टहनी तोड़ दी है बंदरिया ने। मुझे काफ़ी दुख होता है एक भी टहनी तोड़ने का, मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और यहाँ जट्टा मारा है, ये देखिए ये भी मुड़ गई है थोड़ी। तो इस तरह से आप इस तरह से बना सकते हैं आप अच्छे से नेक्स्ट पेड़, और एक से अनेक कितने भी जितनी आपकी मर्जी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस तो आपको मिलती है, यानी कि मिक्स वीडियो मिलती है आपको सबसे पहले। और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और साथ में लाइक कर दें ये भी फ्री है। अगर शेयर करते हैं या फिर वॉच टाइम करते हैं तो आपका नेट ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तो अभी और भी बनानी है, तो मुझे ये तरीका मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। खाली ऐसे ही बांधना है, क्योंकि ये मुलायम है, इस पर मैंने कोई कट नहीं लगाया है। और अगर हार्ड होती है टहनी तो उस पर कट लगाना चाहिए आपको। तो ये मुलायम है एकदम, क्योंकि रूट सभी निकली हैं ये सूखी लकड़ी से, जैसे कि पतझड़ होने के बाद, तो इसीलिए जड़ पकड़ लेगी ये मिट्टी। तो आपको अगर टाइट है टहनी, कैडी है टहनी कोई भी, आपको इस तरह की बनानी है अलग प्लांटिंग तो करनी है, तो आपको छीलना होगा ब्लेड से, इस तरह से छीलना होगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरे चैनल में जाकर देखिए, आपको मिल ही जाएगी, जैसे कि मैं बता रही हूँ हर तरह की वीडियो ऐसी मिल जाएगी। और नहीं भी मिले आपको, पहली बात तो मिल जाएगी अगर आप अच्छे से ढूंढेंगे सियाराम चैनल मिक्स वीडियो में। और अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करना, आपको अच्छे से बताएंगे फिर हम। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस प्रकार की वीडियो आपको मिले तो ज़रूर आप बताना हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर, ताकि इसके ऊपर हम न्यू ब्लॉग्स बना सकें। हे गाइस, तो यहाँ पर देखिए मैं इन्हें अलग कर रही हूँ, यहाँ से मैंने हटाए थे, देखिए ये इस जगह, देखिए इस जगह से इन्हें भी मैं हटाऊंगी, क्योंकि मिट्टी ये बहुत ही अच्छी है, खाद की मिट्टी है। तो क्या करेंगे हम, क्यों हटा रहे हैं इन्हें, तो आगे भी आप देखते रहना। और देखते रहने के लिए आपको चैनल कर लेना है सब्सक्राइब, साथ ही लाइक ज़रूर करना, और लाइक के साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेना। अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है तो वहाँ भी हमें लाइक और कमेंट फॉलो ज़रूर करें, तो कमेंट के द्वारा हम बताएंगे आपको, पता चलता रहेगा। और सब्सक्राइब फॉलो के द्वारा, तो फॉलो सब्सक्राइब अगर यूट्यूब पे है सब्सक्राइब करें, और फॉलो इंस्टाग्राम फेसबुक पे कर लें। तो यहाँ से मैं इन्हें छुटा कर रख लूँगी, अरवी के ये भुइया के पत्ते हैं, अरवी के पत्ते ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सारे तोड़ कट करने हैं मुझे ये इस तरह से। और इसे कैसे करूँगी मैं कट, इसे मैं यहाँ से करूँगी कट, क्योंकि यहाँ तक दूसरा पत्ता आ रहा है, यहाँ से कट करने वाली हूँ इसे। ये देखिए चमक रहा है ना सारा, और यहाँ से यहाँ भी दूसरा पत्ता आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसे कट करूँगी। ये देखिए और दूसरे हैं, दूसरों के पास चलते हैं, इन्हें भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये निकल रहा, देखिए दूसरा पत्ता निकल रहा है, ये देखिए इसे यहाँ से कट कर लेंगे, नहीं तो इसकी डेकोरेशन बिगड़ जाएगी। और बहुत ही बंद पत्ता आ रहा है,
बाकी भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पत्ते को कट कर लिया है, और ये दो पत्ते आप देख रहे हैं ना, दो तीन पत्ते देख रहे हैं, बड़े बड़े हैं, तो पांच छह पत्ते एकदम, ये कल परसों ही लिखड़े हैं, ये देख सकते हैं, ये कल परसों के लिखड़े पत्ते हैं। इनमें दो पत्तों में ही बेसन लपेट के और बन जाते हैं अरवी के पत्ते के पतौड़े। दो पत्तों से सब्जी बनने वाली है, तो यहाँ पर काफ़ी हो गए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए तो जल्दी से फॉलो और कमेंट ज़रूर करें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे रिलेटेड हर एक वीडियोस हम लेके आते रहते हैं और आपको मिले सबसे पहले। इसे मेरे पास गमले ना नहीं, गमला दे देती मैं तुझे, रुक जा एक बोतल में, बोतल में पर यूँ आवे ना, क्योंकि इसकी जड़ वैसी है ना मोटी थोड़ी है, इसकी जगह लगाने की देखिए यारी। और तुम तो नीचे ही रहो ना, तो सिमान लोगी बंदरिया तोड़ तोड़ के, तो इन्हें खा जा, हमारे तो सब खा गई, रह रहे हैं वैसे खिल रहे हैं, पूजा वूजा में काम आम है, आराम से आराम से दे इसे, मत थोड़ा यहाँ से ऐसी हाथ पर धर के ले जा, जल्दी लगा के आराम से लगाइए, पानी दे के जल्दी आ माने। ये देखिए इस पे सारे पेड़ पे फूल आ रहा है, फ्लावर्स आ रहा है, सॉरी फ्लावर्स आ रहा है इस पे, तो इन्हें सबको मैं यहाँ से हटाऊंगी। ये जो मिट्टी है ना खाद की, इस खाद की मिट्टी को मैं अलग ढेरी मारने वाली हूँ, आगे देखते जाना मैं किस लिए ढेरी मारूंगी और इस मिट्टी की ढेरी का क्या करना है। रोक जो मेरे पास पेड़ों को रोकने की जगह है, क्षमता है, तो वहाँ पर मैं इतने ही रखूँगी बस, और अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो जिनके घर में मैं इन्हें दे रही हूँ, एक छोटी सी टहनी ले आऊँगी कट कर कर, उसी से फिर मैं ऐसे ही बना लूँगी जैसे आप देख रहे हैं। तो इसे भी मैं इस लड़की को दे रही हूँ, रोक दे।